प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना टॉपिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में चल रहा था आरएस कॉन्फ़िगरेशन, और हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे आरएस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने का फ़ायदा। क्या फ़ायदा था कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने से ही क्या आसानी हो जा रही थी कि अगर हमें आरएस का ज्ञान है तो हम इनेंशियोमर, डाइस्टीरियोमर, आइडेंटिकल, ये अगर पेयर में पूछा गया रिलेशनशिप, तो हम फौरन बहुत आसानी से आरएस करके बता सकते हैं, चाहे हमें मिरर इमेज दिखे चाहे हमें मिरर इमेज न दिखे। या तो एक तरीका है कि मॉलिक्यूल को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, मिरर इमेज बनाओ, तब आंसर दो, या कोई भी फॉर्म में दिया हुआ है, जिस भी फॉर्म में दिया हुआ उसी फॉर्म में आरएस कर दो, उसके अकॉर्डिंग आंसर बता दो, जो हमने आपको पिछले लेक्चर में तरीका बताया कि अगर सिंगल सेंटर है, आर का एस मिल गया, एस का आर मिल गया, तब क्या बोल देंगे, दे विल बी इनेंशियोमर। आर का आर मिल गया या एस का एस मिल गया, दे विल बी आइडेंटिकल, ये बताया था, है ना। मोर देन वन वाला सेंटर, मतलब दो सेंटर वाला सिस्टम में क्या बोला गया था कि आर आर है उसका एस एस मिल गया, या एस एस है उसका आर आर मिल गया, तब बोलेंगे इनेंशियोमर। ठीक, आर आर था पहले, बाद में भी आर आर है, पहले एस एस था बाद में भी एस एस है, तब उसको बोल देंगे आइडेंटिकल। एक स्पेशल केस था जब आर एस था और अगले में एस आर मिल गया पलट के, याद करो, तब क्या बोले थे, अगर सिस्टम में प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की संभावना है तब क्या बोलेंगे, वो सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, उस सिस्टम को क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तब उस सिस्टम को बोलेंगे, उन दोनों रिलेशन को बोलेंगे क्या, इनेंशियोमर। याद है ये सब, एक जगह का कॉन्फ़िगरेशन सेम रह जाए, दूसरी जगह बदल जाए, तब बोला था उसको बोलते थे डाइस्टीरियोमर। क्लियर? ये सब बातें पूरी पिछले लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं, मतलब लेक्चर नंबर 14 में। ये है अपना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 15। क्लियर? अपना लेक्चर है लेक्चर नंबर 15। क्लियर? इसको बिठा दूं अब मैं। अब सवाल लिखो सीधा, सवाल क्या दे रखा है देखो। सवाल है आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स या गिवन पेयर्स। जो पेयर बनाए हुए हैं हमने, उनमें रिलेशनशिप बताना है। सवाल क्या है, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन पेयर्स। क्लियर? चलो इस बात को भी हटाई दो ताकि हमें जगह चाहिए, क्योंकि बोर्ड अपना है छोटा, हमें जगह बनानी पड़ेगी, फिर हम लोग धीरे धीरे इसका आंसर देंगे आराम से। अब बिल्कुल आराम से पहले सवाल देख लीजिए, फिर तो हम लोग धीरे धीरे समझ ही लेंगे बातों को। पहले अपना क्वेश्चन लिखिए, नोट कर लीजिए फटाफट, पेन पेपर निकालिए, क्वेश्चन नोट करिए कॉपी पे, ठीक। फिर हम लोग आप अपना जो है सफर आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से पॉज करो लेक्चर को और क्वेश्चंस को नोट करो, मैं हट जाता हूँ यहाँ से। जल्दी से पूरा क्वेश्चन नोट करो पॉज करके, और फिर हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, कर लिया, चलो शुरू करते हैं जल्दी से। पहला सवाल अपना ये है अपना पहला सवाल। इसमें बोला कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। पहले कॉलम में अपने पास 5 सवाल है, पांचों को देख लेते हैं, जल्दी करो। पहला क्या बोला जा रहा है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताओ। मुझे बताओ, सिर्फ देखने से क्या ये दोनों को देखो, लगा दो मिरर, क्या मिरर के सामने तुम्हें कुछ इमेज दिखा, क्या मिरर इमेज दिख रहा है, बोलो दिख रहा है क्या? तो क्या बोलोगे, सर ये पलटता हुआ तो दिखा, बट इन दोनों को जो सेम रहना चाहिए वो सेम नहीं हुए, तो नो डाउट ये मिरर इमेज तो नहीं दिख रहे हैं, मिरर इमेज नहीं दिख रहे। नो डाउट हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तब शायद दिख जाए। क्लियर है? हमें मिरर इमेज से मतलब ही नहीं है। हम क्या बोले, मैंने आपसे बोला आरएस करो, ठीक, सीधा आरएस करेंगे, आंसर देंगे। क्लियर है? ओके, लेट सी क्या बोलेंगे, बोलो क्या करेंगे, सबसे पहले बोलिए, यहां देखो नंबरिंग कर दो। नंबरिंग करेंगे तो ऑक्सीजन पहला एटम फर्स्ट, यहां कार्बन, बट ये CHO है, ये वाला 2, इसकी प्रायोरिटी 3, इसकी प्रायोरिटी 4, चौथा ग्रुप चाहिए कहां, वर्टिकल लाइन पे, चाहे ऊपर चाहे नीचे, अगर वर्टिकल लाइन पे आ गया तो जो आ रहा वही आंसर, और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे आया चौथा ग्रुप तो जो आएगा उसका उल्टा आंसर। ये सब बात कर चुके हैं, ठीक है, चौथा यही है। अब 1, 2, 3 घुमा दिए, कैसे घुमा, क्लॉकवाइज घुमा, तो भाई साहब ये तो आर है, क्लॉकवाइज घूमते ही ये क्या है, आर है, वेरी गुड, है ना, आर। चलो अब यहां बात कर लो,
यहां बोलो तो यहां बोलेंगे वन, ये बोल दिया टू, ये बोल दिया थ्री, ये बोल दिया फोर, फिर से चौथा कहां आया? वर्टिकल लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे है, तब क्या बोलते हैं हम लोग? जो आता है वही आंसर। अब बोलो कैसे घूम रहा है? तो अब कैसे घुमा? एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज घूम गया बेटा। इसका मतलब एस आया तो एस ही लिखेंगे, क्योंकि चौथा ग्रुप कहां है? वर्टिकल लाइन पे, नो डाउट। ये क्या आ गया? एस। बोलिए आर का क्या आ गया? एस। इसका मतलब डेफिनेटली वो क्या है? बोलेंगे दे आर इनेंश्यूमर। इस पेयर को क्या नाम दोगे तुम? तो बोलोगे दे आर इनेंश्यूमर। ये दोनों क्या है? इनेंश्योमेरिक पेयर है, इनेंश्योमेरिक पेयर है। यस आर नो? आपको सर आपने तो ऐसे ही बता दिया, आप साबित करके दिखाओ तो एक में हम कर भी देते हैं, प्रूफ कर देते हैं आपको, है ना, कि वाकई ये मिरर इमेज, मतलब इनेंश्योमर किसको बोलते थे? नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज को, है ना। हम कर दे रहे हैं अभी आपको, अभी आपको नहीं देखा मिरर इमेज, अब हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो ट्राई कर रहा हूं मैं। पहला सिस्टम क्या था? ऊपर CHO नीचे हाइड्रोजन, तो पहले तो हमें ये फिक्स करना पड़ेगा, ठीक। अब अगर ऐसा करना है तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट एक्सचेंज यही ले ले, पहला एक्सचेंज ले लेंगे। तो क्या बोलेंगे? बोलो जो दिया हुआ है सिस्टम उसी में एक्सचेंज लाओगे। ओके, तो जो दिया हुआ सिस्टम है उसमें एक्सचेंज लाओ। पहले इधर में साइड में कर देता, आप नोट कर लेना। ऐसा हाइड्रोजन को ले गए नीचे आ गया, CHO को ले गया ऊपर चलाया, पहला एक्सचेंज हो गया, पहला एक्सचेंज हो गया, क्लियर, पहला एक्सचेंज हो गया। अब क्या करोगे तुम? मतलब इस मॉलिक्यूल को यही बनाने के लिए दो एक्सचेंज करना पड़ेगा ना। अगर आपने सिंगल करके छोड़ दिया तो मॉलिक्यूल बदल गया, इसका मतलब इसको यही बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डबल एक्सचेंज, तो पहला कर दिया, दूसरा एक्सचेंज OH को कर दो इधर और CH3 को कर दो इधर। अब देख ये मॉलिक्यूल को जब डबल एक्सचेंज कर दिया तो वही मॉलिक्यूल रह गया, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज गिव्स द आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, क्लियर। हमसे बोला इसका रिलेशनशिप बताओ, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं ऐसे वाले फॉर्म में, तो इसको ऐसे वाले फॉर्म में बनाएंगे ना, कैसे बना सकते डबल एक्सचेंज से? हमने बनाया, इन दोनों को चेंज कर दिया, सॉरी इन दोनों को चेंज कर दिया, इन दोनों को चेंज कर दिया, हो गया इसके फॉर्म में। देखो देखो इस फॉर्म में है कि नहीं। अब इस मॉलिक्यूल को लाके यहां बैठा दो, बैठा दिया, देख लो बेटा यहां ले आए, आ गया। लेफ्ट में क्या है? CH3। राइट में क्या है? OH। ऊपर क्या है? CHO। नीचे क्या है? हाइड्रोजन। बोल यहां लगा दिए मिरर, मिरर लगाते ही क्या बन गया? मिरर इमेज बना। यस सर। क्या ये सुपर इंपोजिबल है? नो सर। तो क्या है रिलेशन सर? इनेंश्योमर सर। यस सर। बोलो क्लियर। हम क्या करें अब? मैं ये सब काम करना है ही नहीं, काय को हम बनाए स्टैंडर्ड और काय को चेक करें, हम सीधा सीधा RS पढ़े किस लिए? तो अपना टॉपिक RS है ना, ये हमने करके दिखाया आपको पहले। अब मैं क्या बोल रहा हूं? हम RS से आंसर देंगे। सो RS कॉन्फिगरेशन से इनेंश्योमर हमने फॉरन निकाल लिया। ओके, आओ जरा दूसरे सवाल पे, लेट अस कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। देखो भाई हम बनाते जाएंगे मिटाते जाएंगे, क्यों जगह की कमी है तभी तो उसको एक्सप्लेन करेंगे इधर। चलो यहाँ आओ, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। चौथा चाहिए वर्टिकल पे, ऑलरेडी है, जो आ रहा वही सही, ठीक। क्या आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज घूम गया बेटा एस। यहाँ बात कर लो, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ठीक। अब ध्यान से, चौथा हॉरिजॉन्टल पे है, जब हॉरिजॉन्टल पे आ जाए एकदम एकदम शांति से, है ना, जो आएगा उसका उल्टा, ठीक है। क्या मिल गया? वन टू थ्री, कैसे घुमा? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो आया क्या? एस काट दो। क्या लिखना है? आर। यहां क्या है? एस। यहां क्या है? आर। क्लियर, क्लियर। बोलिए क्या बोलेंगे सर? क्या बोलेंगे? एस का क्या आ गया उल्टा? आर। आर आता ही क्या बोलोगे तुम? इनेंश्योमर। तो इन दोनों में अगर कोई पूछे रिलेशनशिप क्या है, तुम क्या बोलोगे? दे आर इनेंश्योमर। समझ मारी बात? नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज आर कॉल्ड इनेंश्योमर, ठीक। आरएस में क्या बोला? आर का एस मिल जाए, एस का आर मिल जाए, बोलेंगे इनेंश्योमर, पक्का। ओके नेक्स्ट, अगला सवाल लिया जाए। अगला सवाल देखो, एक मिनट, फोटो आ रहा है कि नहीं? ठीक, हाँ ठीक आ रहा है। बोलो बोलिए यहां क्या बोलेंगे? पहला, दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा, है ना, ठीक है। चौथा कहाँ है? हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल लाइन पे, वेल एंड गुड। कैसे घुमा? क्लॉकवाइज। क्या बोलोगे? आर। यस आर नो? इधर इधर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आहा, ध्यान से ध्यान से। अभी ये क्या है? फिशर। अब वो क्या चला गया? वेज डैश। तो अपने पास क्या तरीका था RS करने का? यादगार, यादगार। फिशर में तो ये तरीका था, वेज डैश में क्या करता, क्या करना था? तो चौथा ग्रुप कहां होना चाहिए? चौथा ग्रुप कहां होना चाहिए? बिहाइंड द प्लेन। बिहाइंड द प्लेन का मतलब क्या? डैश पे। कहां होना चाहिए? डैश पे। और नहीं है तो डबल एक्सचेंज करके उसको डैश पे लाओ।
क्लियर। तो चौथा ऑलरेडी कहाँ है, डैश पे हमने ऑलरेडी सेट करके ही दिया है। खामो खामो इतना सारा सवाल कर रहा हूँ उसमें हौच पहुंच ना हो जाए, इसलिए हमने ऑलरेडी सब जगह वही सेट किया, आसानी से समझ में आए। नहीं है चौथा तो हमने तरीका बताया, पिछले दो लेक्चर पहले चले जाओ, वो हमने बताया कैसे लाएंगे चौथे वाले को डबल एक्सचेंज करके। खैर अब बोलो चौथा कहाँ चाहिए आपको, बिहाइंड द प्लेन। हम यहाँ वर्टिकल पे ही क्यों लाते हैं, बिकॉज वर्टिकल पे दोनों का दोनों पोजीशन अंदर है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, और यहाँ डैश अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, इसलिए सेट किया वो ऑलरेडी। खैर खैर तो ये तो आर आ गया, और यहाँ अब सोच के देख, अगर इन दोनों में रिलेशनशिप बताते तो तुम क्या करते मिरर इमेज लगाने के लिए, इसको पहले ले आते फिशर में, पहले इससे बनाते फिशर, फिर फिशर को करते तुम इसके जैसा, मतलब क्या ऊपर ओ एच नीचे हाइड्रोजन सेट करते, तभी तो बनता है इसके जैसा स्टैंडर्ड, है ना, और फिर करते कंपेरिजन, तब बोलते क्या कि हाँ अब ये मिरर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इतना तामझाम क्यों करें, हम सीधा आरएस करेंगे। क्लियर, तो यहां निकल चुका है यार, वहां लिखो क्या है। अब बोलो इसको भुला दिए चौथे को बिहाइंड द प्लेन ले जाकर के, बाकी को देखो, बाकी को देखे तो बेटा एंटी क्लॉक वाइज है। अरे बोल एंटी क्लॉक वाइज आया कि नहीं आया, आया 1 2 3 आया, क्या है ये एस, लो भाई साहब फिर आ गया क्या इनेंशियमर, तफाक से तीनों का तीनों ही इनेंशियमर निकला। क्लियर, आर का क्या आ गया एस, तो क्या बोलेंगे दे आर इनेंशियमर, यस और नो, यस सर। नेक्स्ट अगले पे आओ अगला क्या बोलेंगे सर, नेक्स्ट ये वाला बोलिए, ये वाला इसमें क्या बोलेंगे 1, इसको क्या बोलेंगे 2, इसको क्या बोलेंगे 3, इसको क्या बोलेंगे 4, यहाँ क्या बोलेंगे 1, यहाँ क्या बोलेंगे 2, यहाँ क्या बोलेंगे 3, यहाँ क्या बोलेंगे 4, यस आर नो। चलिए अब बात करिए क्या बोलेंगे सर, बोलिए इन दोनों में क्या बोलेंगे, यहाँ चौथे पे सेट है, वहां भी चौथे पे सेट है, ठीक 1 2 3 घुमाओ, 1 2 3 घुमा दिए, कैसा घुमा एस, कैसा घुमा एस, इधर आ जा, ये कैसे घूम रहा है बोल, हाँ देख अब आया, ये क्या 1 2 3 कैसे घुमा, ये भी एंटी क्लॉक वाइज कैसे घुमा एस, खत्म। इसका मतलब क्या, दोनों के दोनों एस है, दोनों का दोनों क्या है एस है, दोनों का दोनों क्या है एस। अब देख अब एक और बहुत ज्ञान वाली बात, क्या कि सर एस एस आया इसका मतलब आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है ना, इसका मतलब क्या इसी में डबल एक्सचेंज करके वो बना दिए होंगे, पक्का पक्का है कि नहीं। चलो चेक करते हैं, देखो ध्यान से एच तो अपनी जगह फिक्स है, इसका मतलब हाइड्रोजन को तो नहीं हटाया गया। अब आओ आराम से ओ एच को कहां लाया गया है, यहां लाया गया, तो पहला एक्सचेंज देख ध्यान से, ओ एच को कहां लाया गया इस पोजीशन पे, इसकी पोजीशन बदलते ही पता चल गया ओ एच यहां बदला, अगर ये सिंगल एक्सचेंज करके छोड़ देते तो सी एच थ्री ऊपर होता, क्या सी एच थ्री ऊपर है, नहीं, तो सी एच थ्री को फिर कहां ले आए तुम, सी एच थ्री को कहां ले आए तुम, बोलो नाइट्रोजन की जगह, और फिर नाइट्रोजन को कहां ले गए, वहां ले गए, यस आर नो, बोलो यस आर नो। क्लियर, अरे ओ एच को लाया यहां तो यहां रह गया, सी एच थ्री गया यहां तो यहां रहता, लेकिन सी एच थ्री वहां नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब सी एच थ्री को तुम यहां लाए और एन एच टू को वहां ले आए, तो एक बार एक्सचेंज यहां किया, दूसरा बार एक्सचेंज यहां किया, तभी तो वो बना है, बोलेंगे यस सर वो तो डबल एक्सचेंज के ही थ्रू आया है, यस सर नो। क्लियर है समझ में आ रही बात, तो ये सब बातें साबित होती चली जाए। देख मैंने शुरू से एक बात कही आपसे, क्या सवाल का सॉल्व हो जाना इज नॉट द इश्यू, आंसर मिल जाना इज नॉट द इश्यू, इश्यू ये है कि बात समझ में आई कि नहीं आई, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, क्या हम कॉन्सेप्चुअली आंसर दे रहे हैं या तुक्का लगा के आंसर दे रहे हैं, या हम किसी सवाल से सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे। अगर आपने किसी सवाल से कुछ नई बात सीख ली ना, तो ये असल चीज है, असल चीज ये है, सवाल का सॉल्व हो जाना, अरे वो तो होगा ही है कि नहीं। क्लियर है, वो सेकेंडरी चीज है, असल चीज क्या है, एक होता प्राइमरी एक होता सेकेंडरी, है कि नहीं। जैसे तुम गाय लेकर के आते हो, काय के लेकर आते हो गाय, अरे दूध लेने के लिए, गाय भैंस है कि नहीं, दूध लेने के लिए, गोबर लेने के लिए जाता है क्या, नहीं ना, क्यों, क्योंकि गोबर तो सेकेंडरी है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, है कि नहीं। इसलिए मैं क्या बोलता हूं कि पढ़ो लिखो बड़े आदमी बनो, काय के लिए, दिल को खुश रखने के लिए, समाज की भलाई के लिए, पैसा क्या है वो सेकेंडरी है, वो तेरे पास आएगा ही आएगा। क्लियर वैसे ही सवाल तो तुमसे सॉल्व होगा ही, वो तो सेकेंडरी है, असल चीज क्या है, असल चीज है तुम इससे सीखे क्या, ज्ञान क्या मिला तुम्हें, ज्ञान असल चीज है। क्लियर, कॉन्सेप्ट सीखना यह असल चीज है, ठीक, आंसर तो मिल ही जाएगा। अगला देख, यहां वाला, यहां क्या बात करोगे, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, यस आर नो। क्लियर, कैसे घुमा एंटी क्लॉकवाइज घूमते तुम क्या बोलोगे, यस, इधर बोल, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, कैसे घुमा आराम से चौथे को बुला के, कैसे घुमा एंटी क्लॉक वाइज, ये भी क्या हुआ सर एस, यहां भी आप तुम चेक करो, यहां तुम खुद से चेक कर लेना, डबल एक्सचेंज करके ही मिला होगा वो।
क्लियर, दोनों एस, तो सर ये दोनों एस हुआ तो क्या बोले, आइडेंटिकल है ना भाई साहब, एस का एस आ जाए तो आइडेंटिकल बोलते हैं, तो यहां भी दोनों एस है, इसका मतलब क्या, ये भी ना आइडेंटिकल ही है। क्लियर, दोनों का दोनों क्या बेटा, आइडेंटिकल। अब तुम चेक कर लेना, उसके अंदर डबल एक्सचेंज के थ्रू ही आया होगा, 100% आया होगा, और नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ रहा है। क्लियर, ठीक है, चलो अगला। और जब भी कमेंट सेक्शन में पूछा करो ऐसे लिखा करो, फलाने लेक्चर का फलाना सवाल नंबर, ठीक है, ओके। या जब भी कोई डाउट आपके पास, मेरा नंबर है 7667110929, इस पर व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप करके सवाल पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, फोटो खींच के सवाल पूछो, सर ये वाला सवाल नहीं समझ में आया, नो इशू, ठीक। चलो अगला बढ़ो, अगला ये है, क्या बोल रहे हैं आप, यहाँ क्या बोल रहे हैं बोलो, इस वाले सेंटर पे, इस वाले, अब देख ये सिंगल सेंटर खत्म, सिंगल सेंटर खत्म, अब क्या आया, अब आया दो सेंटर वाले सिस्टम, दो कायरल सेंटर। देखिए यहाँ पे क्या ये कायरल सेंटर, अब आराम से सुन, आराम से, क्या ये कायरल सेंटर है, चलो इसको हटाओ पहले, इसको हटाओ पहले, हम इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि फिशर वाले का भी तरीका तुम्हें आसानी से पता है ना, इसमें भी आएंगे, पहले इसको चेक करके, इसको चेक करके मिटा देते हैं। यहाँ बात करो, एक सेंटर ये, दूसरा सेंटर ये, यहाँ बात कर, ये पहला, ये चौथा, ठीक, अब आराम से, ये दूसरा कि ये दूसरा, ये कार्बन एक ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन दो ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसलिए ये दूसरा नीचे तीसरा। क्लियर, क्लियर, अब क्या बात करोगे, अब क्या बात करोगे, अब 1 2 3 है ना, कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉक वाइज, कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज मतलब एस, ठीक। चौथा ग्रुप कहाँ है, हॉरिजॉन्टल पे, तो काट दो, तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, आर हो गया, ठीक है। यहां बात कर लेना, यहां फर्स्ट, यहां फोर्थ, यहां सेकंड, ऊपर थर्ड, कैसे घुमा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस, यस आर नो, यस सर। अब चौथा ग्रुप कहां है, हॉरिजॉन्टल पे, फिर काट दो, क्या गया, आर, आर 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 आर। अब याद है ना, दो सेंटर वाले सिस्टम में अगर यही आर आर आ गया बोलेंगे आइडेंटिकल, एस एस आ जाएगा बोलेंगे इनेंशियोमर, यस आर नो, चेक करते हैं, आर एस आ गया तब बोलेंगे डाइस्टीरियोमर, यहां दोनों आर है और वहां आर एस या एस आर आने का मतलब एक से एक बदल गया, मतलब डाइस्टीरियोमर, सब जान रहे हो ना, लेट्स सी, ये पहला, ये चौथा, ये दूसरा, नीचे तीसरा, चौथे को भुला के घुमा दिए, घुमा दिए तो क्या आया, 1 2 3 कैसा आया, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब क्या, आर। अब लिख करके सोचो, चौथा कहां है, वर्टिकल पे, वर्टिकल पे जब आता है तो क्या बोलते हैं, जो आया वही आंसर, तब मिटाएंगे नहीं, यही आंसर है, ये आने का मतलब क्या, आर। आराम से अगला, अगला क्या बोलोगे, ये 1, ये 4, ये 2, ऊपर 3, कैसे घुमा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस, और चौथा ग्रुप का वर्टिकल लाइन पे तो जो आ रहा है वही आंसर है ना, एस। अब बोलो यहां क्या, आर, यहां आर, यहां एस, यहां एस, देख ध्यान से, ध्यान से देख, क्या यही चीज ना वहां है, ये गया इधर, ये गया इधर, ऐसे तो सेंटर बदला, तो तुम क्या बोलोगे, इस सेंटर पे सेम रह गया, इस सेंटर पे बदल गया, मैंने क्या बोला था, एक सेंटर पे सेम रह जाए दूसरा सेंटर बदल जाए, इसका मतलब, इसका मतलब दे विल बी डाइस्टीरियोमर, दे विल बी डाइस्टीरियोमर, तो ये दोनों क्या है, डाइस्टीरियोमर, डाइस्टीरियोमर, बोलो ये सर नो, क्लियर है, याद है ना सब कुछ आर एस का, या तो तुम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, सी ओ एच को लाओ ऊपर और एच ओ एच को लाओ हॉरिजॉन्टल पे, यहां भी सी ओ एच को लाओ नीचे, डबल एक्सचेंज करके, डबल एक्सचेंज करके ऑब्वियसली हर एक सेंटर पे, और एच ओ एच को लाओ लेफ्ट राइट, क्लियर, और फिर तुम मिला दो, तुम गारंटी के साथ बात है ना, तुम्हें मिरर इमेज मिलेगा नहीं, तुम्हें सुपर इंपोजिबिलिटी मिलेगी, तभी तो डाइस्टीरियोमर है, वहां से ले आओ, वहां से भी आंसर वही मिलेगा। क्लियर, समझ में आया, बोलो, अरे करके दिखाता हूं मैं, चलो मैं करके दिखाता हूं क्या कर रहे हैं, देख ये सिस्टम तो है, ये सिस्टम लिखा है ऐसा, आराम से इस COOH को ले जाएंगे ऊपर, ले गए, पहला एक्सचेंज हुआ, पहला एक्सचेंज, हाइड्रोजन कहां आया, यहां, तो एक एक्सचेंज, हमें तो दो एक्सचेंज करना है ना आइडेंटिकल बनाने के लिए, आइडेंटिकल बनाने के लिए दो एक्सचेंज करना पड़ेगा ना बेटा, बिल्कुल, तो एच कहां आया, राइट, फॉरन उसको पलटा के कहां ले जाए, लेफ्ट, और ओ एच कहां गया, राइट, अब हो गया डबल एक्सचेंज। इस सेंटर के अबाउट डबल एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, कैसे, हाइड्रोजन यहां आया था फिर खिंच के यहां ले आया, तो दो बार घुमा दिया हाइड्रोजन को, क्लियर, इसका मतलब ये सेंटर बदला नहीं है, वही आइडेंटिकल चीज है, क्लियर, डबल एक्सचेंज इज अलाउड। यहां, यहां क्या बोलोगे, COOH को लाए नीचे, आ गया नीचे, हाइड्रोजन कहां गया, ऊपर, सिंगल एक्सचेंज, मॉलिक्यूल बदल गया, फॉरन उसको बदल दो, डबल कर दो, तो डबल करेंगे तो हाइड्रोजन ऊपर गया था राइट साइड, उसको ले आया लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड ले आए,
OH आ गया इधर, ये हुआ मॉलिक्यूल। अब मैंने ये बोला कि इसको डबल एक्सचेंज करके स्टैंडर्ड बना लो, बना लिया ना डबल स्टैंडर्ड। क्या स्टैंडर्ड? ऊपर भी सी ओ एच, नीचे भी सी ओ एच, तभी तो तुम मिलाओगे। मिला दो, अब मिलाओ। अब क्या ये दोनों मिरर इमेज है? नहीं है। क्यों सर? यहां सर ओ एच और यहां एच, तो H का तो H मिल गया, OH को OH मिला क्या? नहीं मिला। तो क्या ये मिरर इमेज नहीं है? सुपर इंपोजिबल है क्या? तब भी नहीं होगा। तो ना मिरर इमेज, नहीं सुपर इंपोजिबल, नहीं मिरर इमेज, नहीं सुपर इंपोजिबल। सो व्हाट विल यू से? दे आर सर डायस्टीरियोमर। और ये तो लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है, क्लियर। इसलिए क्या बोल रहे, कितना आसान है देख, काय को हम सब कुछ सेट करें। आर एस से कैसे काम बनता है, तुम्हें समझ में आ रहा है बेटा? ओके, बढ़िया है जी, बढ़िया है। बढ़ो आगे, आगे बढ़ो। अगला सवाल क्या बोला? सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए, अब एक है फिशरमैन और दूसरा है, नहीं सॉरी, दोनों का दोनों है वेज डैश में, ठीक है। ये सेंटर, अब आराम से देख, डैश पे मैंने नहीं दिखाया, हिडन रखा, वो कौन है? अरे डैश नहीं दिखाया गया, हिडन है। जब हिडन होता तो क्या मानते हैं? हाइड्रोजन, है ना। और हाइड्रोजन आ गया तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, क्यों? वही तो चौथा होगा, उससे छोटा एटॉमिक नंबर किसका है? किसी का नहीं। यहां भी कौन है? हाइड्रोजन ऑलरेडी, इसलिए मैंने दिखाया ही नहीं, मतलब ऑलरेडी सिस्टम सेट है। अब 1 2 3 करना है, ओके, चौथा तो ऑलरेडी वही है। सो ये तो हुआ 1। अब आराम से, ये भी कार्बन, दोनों कार्बन है। ये कार्बन लग गया फ्लोरीन से, तो ऑब्वियसली ये 2, तो ये क्या हो गया? 3। हम नहीं लिख रहे, हमने मान लिया 2 है। अब बोल, ये 1 2 3 कैसे घूम रहा? क्लॉकवाइज। कैसे घूम रहा? क्लॉकवाइज घूमा, तो यहां क्या है? R। यहां क्या है? R। अच्छा, और इस पोजीशन पे तो तुम क्या बोलोगे? तो 1 है सर, है ना। हाइड्रोजन चौथा। अब ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, दोनों तो कार्बन ही है। ये कार्बन जुड़ गया ऑक्सीजन से, ये कार्बन जुड़ गया कार्बन से, तो ऑब्वियसली ये 3 और ये 2। बोलिए सर नो। ये भी कैसे घुमा? 1 2 3 क्लॉकवाइज। तो ये भी क्या है? R। क्यों लिख दिया R? बिकॉज चौथा हाइड्रोजन है, वो कहां चाहिए? डैश पे, और डैश पे ऑलरेडी है, ठीक। तो यहां दोनों का दोनों सेंटर क्या मिल गया? R। अब वहां चेक करो, ठीक। तो जो ग्रीन वाला सेंटर था उसको चेक करेंगे, तो ये तो 1, ये 2, ये 3। तो पहला वाला पे क्या गया? बोलो, पहले वाले पे क्या गया? एक मिनट काय का आरएस मॉलिक्यूल के अंदर, देख मॉलिक्यूल के अंदर धोखा किया गया है, सवाल के अंदर धोखा है रे, धोखा। क्या धोखा है वो जरा देखो, देखो जरा सवाल के अंदर धोखा, देखो क्या हुआ। ये सब आरएस बेकार है, क्यों भैया? अरे देखो क्या है, क्या हुआ? आपने सर पोजीशन ही बदल लिया। किसका? ग्रुप्स का। किस ग्रुप का? फ्लोरीन किसके पास था? फ्लोरीन किसके पास? अरे ये सिस्टम क्या है? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, ये ना। मिथाइल के पास कौन था? CH3 के पास कौन था? OH, क्लियर। और C2H5 के पास कौन था? फ्लोरीन। अगर यहां चेक कर, ये जो OH यहां होता था, इस OH को मैं उठा के लेके कहां चला गया? OH जो यहां होता था मिथाइल के पास, उस मिथाइल के पास क्या तुम्हारा OH है? नहीं। इसको लेके चले आए यहां, बोलो लेके आ गए कि नहीं आ गए, है ना। तो हमने क्या कर दिया? पोजीशन ही बदल दिया सर नो। और जो फ्लोरीन इथाइल के पास था वो चला गया मिथाइल के पास। अरे अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा बेटा, तो तुम सीधा नोमेनक्लेचर याद करो ना। मैंने क्या बोला था? जब भी तुम्हें आइसोमेरिज्म में कहीं मसला होने लगे, नोमेनक्लेचर याद कर लो, नाम लिख लो। अगर नाम बदल गया सिस्टम का, इसका मतलब दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर। यस सर नो, ठीक है। चल मैं नाम की बात कर रहा हूं, बोल इसका नाम क्या होगा? बोलो, मॉलिक्यूल इज दिस। ये सिस्टम है, नंबरिंग करेंगे पेरेंट चेन की। पेरेंट चेन कहां से कहां तक? यहां से लेकर के यहां तक नंबरिंग कर। कैसे नंबरिंग करोगे? लोएस्ट लोकेंट रूल। तो 1 पे नहीं है कोई, 1 पे नहीं है कोई, 2 पे नहीं है कोई, 2 पे है, तो कहां से नंबरिंग करेंगे? यहां से 1 2 3 4 5। बोलो इसका नाम क्या है? सिंपल, अभी ऑप्टिकल नहीं, सिंपल। सिंपल में क्या बोलोगे तुम? बोलो इसका नाम क्या? थ्री फ्लोरो और क्या? पेंटेन और 2-ol। अच्छा, इसका नाम बोलना बेटा। कहां से नंबरिंग करोगे? ऑब्वियसली ऐसे करेंगे सर, 1 2 3 4 5। इसका नाम क्या है? 2-fluoro पेंटेन। एक मिनट, इसकी नंबरिंग तो इधर से कर दी, लोएस्ट लोकेंट रूल। हाँ, इधर भी तो लोएस्ट लोकेंट रूल कैसे चेक करते हैं? बोलो लोएस्ट लोकेंट रूल कैसे चेक करते हैं? जिधर से ब्रांचिंग क्या हो, नजदीक हो। जिधर से ब्रांचिंग क्या हो, नजदीक हो। बोले यस सर नो, किधर से नजदीक है ब्रांचिंग?
ब्रांचिंग किधर से नजदीक है, तो क्या बोलेंगे, इधर से दो नंबर पे फ्लोरो है, इधर से क्या है, इधर से क्या है, तीन नंबर पे ओएच है, यस आर नो। तो प्रायोरिटी किसको देंगे, ऑब्वियसली प्रायोरिटी किसको देते हैं, बोलो प्रायोरिटी किसको देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को, याद है ना सब कुछ, पहले तो नॉर्मल ब्रांचेस, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप में क्या बोलते थे, ओएच, ओएच की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो जब ओएच की प्रायोरिटी ज्यादा था, नंबर यहाँ पे 1 2 3 4 5, खैर फिर भी अपना डिफरेंट ही आएगा। देख अब क्या नाम हो गया, फोर फ्लोरो, क्या नाम हो गया, फोर फ्लोरो, और क्या, पेंटेन, 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 और क्या, थ्री ओल, बोलिए क्या दोनों का आईयूपीएससी नेम अलग है, बोलेंगे यस सर दोनों का आईयूपीएससी नेम अलग है, बोलो है कि नहीं अलग, दोनों का, दोनों आईयूपीएससी नेम क्या है, अलग है, और जब अलग है तो दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर, और जब कोई कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है उसको स्टीरियो में लाते ही नहीं है, याद है ये सारी बातें पुरानी, क्या अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गया, पोजिशन आइसोमर, चेन आइसोमर है ना, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, तब क्या बोलते हैं उसको, स्टीरियो में लाएंगे ही नहीं, स्टीरियो तो तब लाएंगे जब जब वो दोनों पेयर स्ट्रक्चरल नहीं था, अब स्टीरियो लाए, तो ये सवाल और खतरनाक निकला, क्या तुम्हें पूछा, तुम्हें पूछा इसमें आइसोमर में मतलब रिलेशन पूछ रहे, तुम क्या बोलोगे, ये स्टीरियो है ही नहीं, काय का इनेंशियोमर डायस्टीरियोमर, कोई इनेंशियोमर डायस्टीरियोमर नहीं, इनेंशियोमर डायस्टीरियोमर तब होता इफ द गिवन पेयर आर नॉट स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो अगर इनमें रिलेशनशिप पूछे तो बोलेंगे दे आर पोजिशन आइसोमर नॉट स्टीरियो आइसोमर, आंसर क्या बोलेंगे, दे आर पोजीशन आइसोमर, यस सर, ऐसा एक और सवाल है पोजीशन आइसोमर पे, याद आया मुझे, हाँ चलो अभी करते हैं, देखते हैं तुम पहचानते हो कि नहीं अगली बार। अब यहां आओ, ये वाला सिस्टम है, इस वाले सिस्टम में मैंने लिखा OH, अब इसको देखो, अब क्या बोलेंगे, ये बिल्कुल ठीक है, क्यों ठीक है, क्योंकि यहां क्या CH3 CH2 CH2 CH3, यहां भी CH3 CH2 CH2 CH3, कुछ नहीं बदला है कि नहीं, यहाँ तो इथाइल था ना तो बदलता हुआ दिख रहा था, यहाँ सब कुछ, मान लो अगर हम OH को यहाँ भी लगाते तो वही बात तो है, क्यों, क्योंकि तो दोनों तरफ CH3 CH3 तो है। खैर अब यहाँ बात करो, तब क्या बोलेंगे, सिस्टम इज सेम, अब इस सेंटर पे क्या बोलेंगे, ये वन, ये हाइड्रोजन कहाँ गया, फोर्थ पे, और ये वाला क्या, थर्ड, और ये वाला क्या, टू, क्यों, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये लगा फ्लोरीन से तो टू, ये हाइड्रोजन से लगा तो तीन, क्लियर, तो 1 2 3 कैसे घूमा, क्लॉकवाइज, चौथा कहाँ है, बिहाइंड द प्लेन, क्या बोलेंगे, आर, इसकी बात कर लो, ये वाला 1 हाइड्रोजन, फोर्थ, ये वाला 3, ये वाला 2, क्या बोलेंगे, बोलो क्या बोलेंगे, तो क्या बोलोगे तुम, 1 2 3, ये भी कैसे घूम रहा है, क्लॉक वाइज, ये क्या बोलेंगे, आर, यहां आ जाओ, यहां क्या बोलेंगे, ये 1, ये वाला 3, ये वाला 2, कैसे घुमा, क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज मतलब आर, यहां बात कर लो, यहां क्या 1, और ये क्या 3, और ये क्या 2, एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज मतलब क्या, एस, एक जगह तो रह गया सेम और एक जगह गया बदल, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जब दो सेंटर में एक सेंटर सेम रह जाए, एक सेंटर बदल जाए, तब उसको क्या बोलते हैं बेटा, तब उसको बोलते हैं डायस्टीरियोमर, क्या बोलेंगे, दे आर डायस्टीरियोमर, क्यों बोल पाए डायस्टीरियोमर, बिकॉज नाउ दे आर नॉट स्ट्रक्चरल आइसोमर, अगर ये भी स्ट्रक्चरल आइसोमर होता, पोजिशन, चेन, कुछ भी होता, हम इसको कभी स्टीरियो नहीं बोलते, बिकॉज ये चेन आइसोमर नहीं है, पोजिशन आइसोमर नहीं है, इसलिए हम लोग क्या बोले, क्या बोले, डायस्टीरियोमर, कैसे, एक जगह तो सेम रह गया, दूसरी जगह पलट गया। खैर अगला सवाल, अगले सवाल पे आइए, एक दे रखा वेज डैश में, दूसरा दे रखा फिशर में, सी इस सेंटर की बात करो, ये 1 हाइड्रोजन, चौथा, ये तीसरा, ये दूसरा, कैसे घुमा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमा तो आर, ये वाला पहला, अगला, चौथा, ये तीसरा, ये दूसरा, कैसे घुमा, फिर क्लॉकवाइज, तो क्या बोलेंगे, आर। अच्छा इधर आ जा बेटा, यहां बोलो, क्या बोलोगे तुम, यहां क्या है, अब ये 1, ये 4, ये 3, नीचे वाला 2, समझ में आ रहा है ना कैसे, ओके, कैसे घुमा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो आर, अब देख चौथा कहां है, हॉरिजॉन्टल पे, तो काट दे, क्या मिलेगा, एस, है ना, अच्छा यहां आ जा 1, यहां आ जा 4, यहां आ जा 3, ऊपर आ जा 2, कैसे घुमा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमा तो फिर से क्या, आर, बट ये कहां है, हॉरिजॉन्टल पे, तो फिर काट दो, तो काट के क्या बन गया, एस, बोलो क्या दोनों का दोनों पलट गया, यहां था आर आर, यहां क्या आ गया, एस एस, क्या बोलोगे, पूरा पलट गया, पूरा पलट गया मतलब दे आर इनेंशियोमर, क्या होगा ये, तो बोलेंगे सर दे विल बी इनेंशियोमर, पूरा सिस्टम ही बदल गया, आर आर क्या हो गया पलट के, एस एस, तो क्या बोलेंगे इसको, बोलेंगे इनेंशियोमर, यस और नो, क्या बोलेंगे, इनेंशियोमर। अगला अगला सी द नेक्स्ट, अगले की बात करिए, क्या बोलेंगे आप, बोलिए यहां क्या बोलेंगे, बोलो बोलो जल्दी, पहले वाले में, इसमें इसकी बात कर लें, इसकी बात कर लें, यहां क्या बोलेंगे सेंटर पे, ये 1, ये 4, और ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ठीक,
तो ये कार्बन, तो ये लिखा टू, क्यों लिखा टू, बिकॉज दो ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो यहां क्या वन टू और ये वाला थ्री, एक दो तीन, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो गया एस, चौथा वाला कहां हॉरिजॉन्टल पे, तो काट दो, काट के लिखा क्या लिखोगे आर, ये वन ये फोर ये थ्री, ऊपर टू, कैसे घुमा वन टू थ्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब आर, आर लिखा है काटो, काट के क्या लिखोगे एस, एनी डाउट। ओके सर, यहां सर, सर ये तो हमें पल्ले ही नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं पल्ले पड़ता, क्या कर रहा है फिशर बना, कैसे बना देते सौहर से फिशर, याद कर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते थे, ऑलरेडी लाया हुआ है, मान लो हमारा ऑब्जर्वर यहां है, याद है ना सब कुछ, ऑब्जर्वर यहां है, जब ऑब्जर्वर यहां है तो ऑब्जर्वर से दूर कौन है, और ऑब्जर्वर के बेस पे कौन है, तो बेस पे कौन है CH3, और दूर कौन है COOH, याद है। अब इस ऑब्जर्वर के राइट साइड वाली चीज क्या है, ये दोनों लगा दे OH OH, और लेफ्ट साइड कौन है, तो ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बोलो या सर नो, क्लियर। अब लगाओ यहां RS लगा दिए, अब वहां RS कर दो, जब यहां RS करोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा बोलो, यहां ये क्या बोल रहे वन, ये क्या बोल रहे फोर, ये क्या बोल रहे टू, नीचे क्या बोल रहे थ्री, कैसे घुमा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो एस, यहां काट बेटा, क्यों काट रहे, बिकॉज चौथा वाला कहां है हॉरिजॉन्टल पे, तो ये क्या है एस की जगह क्या है आर, यहां वन यहां फोर यहां थ्री ऊपर टू, कैसे घुमा एस, एस घुमा, एस घुमा काटो, काट के क्या बनाओ आर, क्यों बना दिया आर, बिकॉज फिर से क्या चौथा हॉरिजॉन्टल पे, अब देख यहां आर एस और यहां आर आर, एक जगह रह गया सेम, एक जगह बदल गया, एक जगह रह गया सेम, एक जगह बदल गया, तो तुम क्या बोलोगे ये जो दोनों दिया हुआ पेयर था, ये दोनों दिए हुए पेयर को तुम क्या बोलोगे, दीज वेयर डाइस्टीरियोमर, क्या बोलेंगे इसको डाइस्टीरियोमर, एक सेम रह जाए दूसरा बदल जाए, दे विल बी कॉल्ड डाइस्टीरियोमर, याद है। तो जब भी सोहोर्स दिया जाएगा या न्यूमेन दिया जाएगा क्या करेंगे, पलट देंगे, पलट के कहां लाएंगे पहले फिशर में फिर चेक करेंगे, क्लियर। ओके ओके, अगला कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलिए सर अगले में क्या बोलेंगे, फिर वही बात, एक दे रखा फिशर में और एक दे रखा कहां सोहर्स में, इसको यही आंसर कर दो, ये वन ये फोर ये थ्री, सॉरी सॉरी टू और ये थ्री, कैसे हुआ वन टू थ्री एंटी क्लॉकवाइज काट दे, क्या लिखोगे आर, ये कैसे घुमा वन, ये क्या फोर, ये क्या थ्री, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमा तो आर है ना, चौथा का हॉरिजॉन्टल पे काट दो, क्या लिखोगे एस, लिखोगे इसका क्या बना लोगे फिशर, बनाओ फिशर, क्या बनाओगे बोलो, हम मान लो यहां खड़े हैं, यहां खड़े हैं तो ऊपर क्या सी ओ ओ एच, ठीक एक मिनट पहले इसको स्टैंडर्ड में ला, इसको स्टैंडर्ड में कैसे लाओगे, इसको घुमा करके घुमा दो, जब घुमाओगे तुम तो ये क्या बनेगा सिस्टम, बोलो यहां क्या सी एच थ्री इधर ओ एच इधर H बन गया, ये तो ऑलरेडी ऐसे है, इसको नीचे लाए, जब नीचे लाए तो ये क्या बना COOH, अरे आया ना 180 पे, तो जब ये 180 पे नीचे आया तो इसके 180 पे ये जाएगा, तो इधर कौन जाएगा OH, और इसके 180 पे कौन जाएगा H, गया आ गया, अब यहां से बनाओगे तुम फिशर, क्लियर, याद है CH3 ये सब बताया हुआ बेटा है ना, चलिए पिछले लेक्चर्स में ये सब किया हुआ है। ओके यहां आ गए, अब आए तब क्या बोलेंगे बोलिए, CH3 के पास राइट साइड क्या है OH और लेफ्ट साइड क्या है हाइड्रोजन, और COOH के पास राइट साइड क्या है बोलिए हाइड्रोजन, और ये क्या OH, ये समझ समझना सर, COOH तो नीचे दिख रहा तो ऊपर लिखे हो, अरे नीचे ही वाले को ऊपर लिखते हैं फिशर में, याद है कि नहीं, सौर से कैसे फिशर बनाते थे, याद होगा सब कुछ तुम्हें, नहीं याद है तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्लियर है। अब बोलो, अब लगाओ इस फिशर से दिमाग, क्या बोलोगे ये वन और ये फोर और ये टू, नीचे थ्री, कैसे घुमा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमा तो क्या बोलेंगे आर, बट चौथा कहां है हॉरिजॉन्टल पे, तो क्या लिखेंगे एस, यहां बोल वन यहां फोर नीचे थ्री ऊपर क्या टू, क्या बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज है ना, लेकिन ये कहां है यहां, तो एंटी क्लॉकवाइज में होता तो एस, बट लिखेंगे आर, आराम से आराम से आंसर दो, आराम से इसके रिस्पेक्ट में ना ये मॉलिक्यूल था और यही मॉलिक्यूल को यहां से यहां गए यहां से यहां आए, अब बोल जहां आर था वहां क्या है S, और जहां S था वहां क्या है R, ठीक ध्यान से सुनो, जब घूम गया क्या एक मिनट एक मिनट एक मिनट घूम गया, चलो याद होगा तुम्हें जब हमने बोला था आर एस पलट के एस आर हो जाए या एस आर चेंज हो गया आर एस हो जाए, ध्यान रखने की बात है इस कंडीशन में, या तो ये आइडेंटिकल होगा क्लियर,
या तो ये बोलो इनेंशियोमर होगा, बोला था मैंने पिछले लेक्चर में, जब ऐसा केस आ जाए। आइडेंटिकल कब हो जाएगा? इफ आइदर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल जाए। इनेंशियोमर कब होगा? जब ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है। मुझे बता क्या यहां से कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर रही है? बोलोगे सर OH का H, H का OH, मान लो ये हो भी जाता तो ये COH का CH3 है ना, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्लियर? ऊपर नीचे ग्रुप बदल गया तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन बताएं? इनेंशियोमर। दे आर इनेंशियोमर। क्लियर? याद है सब कुछ, पुरानी बातें और ये सब समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने अगले पड़ाव पे। क्या है अगला सवाल? अगला सवाल कह रहा है सर इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताओ। ओके ठीक है, जरा यहां चेक कर लें, यहां क्या है बोलिए। हाइड्रोजन कहाँ है? डैश पे ऑलरेडी सेट है, बहुत बढ़िया। चौथा ग्रुप कहाँ है? डैश पे वन, ये वाला वन। ये क्या है? टू, क्योंकि कार्बन दो ऑक्सीजन से जुड़ा है, यहाँ की ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये दो ऑब्वियसली, ये तीन, वन टू थ्री कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉक वाइज। तो एस यहाँ क्या? वन, ये क्या? टू, ये क्या? थ्री, कैसे घूम रहा है एंटी क्लॉक वाइज? तो क्या बोलेंगे? एस। समझ में आ रहा है ना? ओके यहाँ देख, इसको क्या बनाओगे तुम सबसे पहले? इसको तुम सबसे पहले क्या बनाओगे? फिशर, है ना, बना दो फिशर। मान लो हम यहाँ खड़े हैं, तो जब यहाँ खड़े हैं तो एक तो ये हो गया COH, और अगला वाला भी क्या है? दूर COH, इस फॉर्म में तो दिया ही, इक्लिप्स फॉर्म में चाहिए ना, इक्लिप्स फॉर्म में ऑलरेडी है। इसके इधर क्या है? OH। नीचे वाले COH के पास राइट साइड क्या है? OH। और ऊपर वाले के पास क्या है? हाइड्रोजन, और OH कहाँ? लेफ्ट साइड। ओके दिस इज द सिचुएशन। अब बोलो अब क्या करोगे तुम? ये वन, ये फोर, ये टू, कैसे घुमा? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमा, ये चौथा हॉरिजॉन्टल पे एस। यहां क्या? वन, यहां क्या? फोर, यहां क्या? टू, कैसे घुमा? आर, लिखेंगे क्या? एस। ओके यहां भी एस, वहां भी एस, एस 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 एस, क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली दीज टू विल बी आइडेंटिकल। अब बोलो बेटा क्या तुम इनको देख करके आइडेंटिकल कभी बोल पाते? कभी नहीं बोल पाते। बट आरएस ने तुम्हें क्या कर दिया? एक आसानी दे दी, और जो तुम आंसर नहीं कर सकते थे वो भी आंसर कर दिए। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन स्पेशली फॉर जेई एडवांस। क्लियर? नीट में तो ऐसे लेवल का सवाल ही नहीं आता, है ना? ये सारी बातें कब है? आईटी में। नीट में तो तुम्हें बोलेगा आर बताओ, ये रिलेशनशिप तो बोलेगा ही नहीं। नीट में क्या बोलेगा? ये जो दिया हुआ ये आर है कि एस है, बस पहले ही पढ़ाओ पे खत्म। जो हम लोग आर एस में चार चैप्टर, चार लेक्चर पढ़े ना, वो पहले लेक्चर में नीट खत्म हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, पहले नीट की भी वैल्यू थी सर, अब एनटीए ने औकात ही गिरा दिया नीट का, अब बच गया सिर्फ आईआईटी जिसकी वैल्यू है। खैर कोई नहीं, हम तो सब पढ़ेंगे साहब, क्योंकि हम तो केमिस्ट्री पढ़ रहे है ना। चलो अब देखो ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन इन दोनों में पूछा आपसे, ये दोनों पेयर है, ये दोनों सवाल अलग है, ये दोनों सवाल अलग है। पूछा इन दोनों में रिलेशनशिप बता दो बेटा क्या है, बोलो ये सिस्टम तुम्हारा क्या कहोगे? डिकलिन सिस्टम, क्या बोलोगे तुम इसको? ऐसे साइक्लोअल्कीन, याद है ना साइक्लोअल्कीन? अरे आराम से सुन, आराम से, मैंने तुमसे बोला ऐसा और मैंने तुमसे बोला ऐसा, बोल तो इन दोनों में रिलेशन क्या है? तो बोलेगा आइडेंटिकल है सर। अरे नहीं, क्या आइडेंटिकल, हमने इधर लिख दिया उधर लिख दिया, क्या दिक्कत है? घुमा दो तुम, वहीं पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच जाएगा? अरे बोलो, बिल्कुल। मान लो हमने ये लिख दिया, इसका नाम क्या है? साइक्लोहेक्सीन, और ये लिख दिया, इसका नाम क्या है? बोलेंगे ये भी साइक्लोहेक्सीन। दोनों आइडेंटिकल नहीं है क्या? बिल्कुल है। अच्छा तीसरा हमने यहां लगा दिया तो बोलोगे वही है, ऑल आर आइडेंटिकल। जगह तो बदल बदल दी, वो देखने में लग रहा सर बदल दी, बट जगह रियल में थोड़े ना बदली। बोलो वो देखने में लग रहा, घुमा देंगे फिर वही पहुंच जाएगा। अरे इसको 180 डिग्री से पलट देंगे तो मिल जाएगा कि नहीं? सेम, बिल्कुल। और इसको क्या, इसको 60 से घुमा के लाते थे ना, तो 60 से घुमाओगे तो यहां पहुंच जाएगा, अगले 60 से यहां पहुंच जाएगा 120 पे। यस सर नो, लेकिन ध्यान से सुन, ध्यान से, अगर हम यही बोल देते, यही चार वाला सिस्टम, ऐसे डबल बॉन्ड ऐसा मिथाइल के रेस्पेक्ट में, और अब ये डबल बॉन्ड लगा दिया, ये तो CH3 यही है बट ये आ गया यहाँ। अब सोच क्या ये दोनों आइडेंटिकल है? बोलेंगे बिल्कुल नहीं, दे आर पोजिशन आइसोमर। नहीं समझ में आया, नाम लिखो, इसका नाम क्या बोलोगे तुम? वन मिथाइल साइक्लोब्यूटीन, इसका नाम क्या है? तो क्या बोलेंगे? वन टू थ्री,
एग्री, थ्री मिथाइल साइक्लोब्यूटीन दोनों क्या है, अलग पोजीशन बदल गया, किसका, या तो सब्स्टिट्यूएंट का बोल दो तुम, या तो डबल बॉन्ड का बोल दो, पोजीशन दोनों की क्या अलग अलग, ये सर नो, तो दे आर पोजीशन आइसोमर। क्या ये पोजीशन आइसोमर है? बिल्कुल नहीं, देखने में लगता है, बट घुमा करके रखेंगे सिस्टम सेम हो जाएगा। अब मुझे बोल क्या ये दोनों पोजीशन आइसोमर है? बोलेंगे ना, बिल्कुल नहीं, देखने का नजरिया है, ये सर नो। अब आराम से, इसके रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन कहां है? सेम साइड। जब सेम साइड है तब क्या बोलोगे तुम इसको? सिस। अरे बोलेंगे बोलेंगे। अच्छा, इसके रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन कहां है? अपोजिट साइड। तब क्या बोलेंगे इसको? ट्रांस। याद है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्कीन, याद है ना तुम्हें, क्या बोला था? सात मेंबर तक कोई जीआई शो नहीं करता। कौन कौन? साइक्लोएल्कीन। किसमें? डबल बॉन्ड के अबाउट, बट आठ कार्बन ऑनवर्ड्स दे शो जीआई अबाउट अबाउट डबल बॉन्ड, यस और नो? तो ये 10 कार्बन का सिस्टम शो करेगा, करेगा। ऊपर कौन है? सिस। नीचे कौन है? ट्रांस। मैं क्या पूछ रहा हूं? इनेंशियोमर डायस्टीरियोमर। अरे काय का इनेंशियोमर? क्या कोई कायरल सेंटर है? नहीं। मॉलिक्यूल कायरल है? नहीं। तो फिर क्या इनेंशियोमर होगा? नहीं। लेकिन लेकिन सिस ट्रांस तो है ना? बिल्कुल सिस ट्रांस है। अब याद कर, मैंने डायस्टीरियोमर में एक बात लिखी थी, क्या लिखी थी? डायस्टीरियोमर को क्या कायरलिटी से लेना देना है? नहीं। उसका डेफिनेशन ही क्या था? नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर। और वहीं बोला था क्या कि जो सिस्टम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करता था अल्कीन वाला, उसमें भी हमने क्या बनाया था? आपको फोटो बना करके चेक कर लो ना, तो मिरर इमेज ना सुपर इंपोजिबल है। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? डायस्टीरियोमर। जरा चेक कर इन दोनों को, क्या ये दोनों मिरर इमेज कभी हो सकता? बोलेंगे नहीं। अरे एक सिस एक ट्रांस कहां से मिरर इमेज हो जाएगा? एक का हाइड्रोजन सेम साइड, एक का हाइड्रोजन अपोजिट साइड, कहां से हो जाएगा मिरर इमेज? नहीं। तो ना तो मिरर इमेज, ना ही सुपर इंपोजिबल। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू? ऑब्वियसली दीज टू विल बी डायस्टीरियोमर बेटा। क्या ये डायस्टीरियोमर? बहुत ही सुंदर सवाल है। अगला अगला और खूबसूरत, क्या खूबसूरती है वो जो बताया अभी तुम्हें। देखो यहां का डबल बॉन्ड चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, बट यहां का डबल बॉन्ड चेंज कर दिए ना। अब जो डबल बॉन्ड चेंज कर दिए क्या हो गया ये? अब ये क्या हो गया? बोलेंगे सर पोजीशन ही बदल गया। अरे नहीं बदला, बोलो इसका नाम लिख। क्या बोलेगा? वन मिथाइल साइक्लोडेकिन, इसका नाम ले। क्या बोलोगे? अब नंबरिंग कहां से? 1 2 3 4 यहां से स्टार्ट। तो क्या बोलेंगे? 4 मिथाइल साइक्लोडेकिन। दोनों का नाम बदल गया, नाम बदल गया, नाम बदल गया। तो क्या दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर? इनफैक्ट दे आर पोजीशन आइसोमर। ये क्या है? स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल में भी तो 6 टाइप का पड़े, उनमें कौन सा? बोलेंगे पोजीशन आइसोमर। किसका पोजीशन बदला? बोलेंगे किसका? मिथाइल का। ये सर नो, क्लियर है, समझ में आ रही बात? तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दे आर पोजीशन आइसोमर। और जब कोई भी सिस्टम स्ट्रक्चरल आइसोमर आ जाए उसको स्टीरियो का नाम कभी भी नहीं देते। अब एक बात ध्यान से सुन, क्या ये दोनों मिरर इमेज नहीं है? नहीं है। क्या सुपर इंपोजिबल है? नहीं है। तो ना सुपर इंपोजिबल ना ही मिरर इमेज, तो क्या इसको डायस्टीरियोमर नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते डायस्टीरियोमर। क्लियर है, समझ मारी बात? बट ये डायस्टीरियोमर इनेंशियोमर ये सब क्या होता है? स्टीरियो आइसोमर। ये सब क्या होता? स्टीरियो आइसोमर, यस और नो? लेकिन हम क्या बोलते हैं, जब स्ट्रक्चरल आइसोमर हो जाता कोई पेयर तो उसको स्टीरियो में कभी काउंट करते ही नहीं। तो तुम्हारे सामने सब आंसर लिखा, तुम क्या लगाओगे? तुम लगाओगे पोजीशन आइसोमर। क्लियर है बेटा? बोलो क्या तुम्हें समझ में आया, क्या क्या बातें हुई, क्या फायदा है आरएस पढ़ने का, ये सब समझ में आया? बोलिए बोलिए सर, आरएस पढ़ने का क्या फायदा है, समझ में आया? तो खैर इतने क्वेश्चंस इनफ हैं, काफी हैं, बाकी आप जहां से चाहो सवाल लगा सकते हो। तो यहां पे अपना एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन हो गया खत्म, जिसको हम लोगों ने बोला क्या, आरएस कॉन्फ़िगरेशन, रेक्टस सिनिस्टर, दैट वाज कॉल्ड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। अब दूसरा कॉन्फ़िगरेशन आता है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज डीएल नोमेनक्लेचर। कैपिटल डी कैपिटल एल पढ़े होगा ना तुम, ग्लिसरल डिहाइड मॉलिक्यूल है ना, तो अगली क्लास में ग्लिसरल डिहाइड पढ़ करके आना, ठीक है? ठीक, सो अगला हम लोग स्टार्ट करेंगे, अगले अगले में और छोटी छोटी चीजें हैं, क्या डीएल नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, त्रियो फॉर्म, इरेथ्रो फॉर्म क्या होता, और एपीमर क्या होता है ना, ये सब छोटी छोटी चीजें यही हम लोग कर लेंगे खत्म। उसके बाद आएंगे स्टीरियो सेंटर क्या है, स्टीरियोजेनिक एरिया क्या है, और टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कैसे निकालते हैं, ये सब बातें करेंगे हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर? तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डी कैपिटल एल और थ्रियो, इरेथ्रो और एपीमर। ठीक, सो आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।